शिक्षा के क्षेत्र में सरकार हमेशा शिक्षा में सुधार के दावे करती नजर आती है, लेकिन सच्चाई धरातल में जाकर देखे तो इन दावों को आईना दिखा रहा है। जी हाँ, ऐसा ही एक मामला दुर्ग के महात्मा गांधी स्कूल का है, जहां अध्ययनरत छात्र छात्राएं स्कूल की बदहाली के बीच पढ़ाई करने को मजबूर है। क्षेत्र की शिक्षा व्यवस्था किसी से छुपी नहीं है। सरकार हमेशा शिक्षा में सुधार के दावे करती नजर आती है, लेकिन सच्चाई इन दावों को आईना दिखा रही है। प्राथमिक विद्यालय में पढ़ने वाले बच्चे अधिकतर गरीब मजदूर परिवार से ही आते हैं। स्कूल में मध्यान्ह भोजन, साइकिल, गणवेश, छात्रवृत्ति सहित अन्य तमाम योजनाओं के माध्यम से बच्चों को विद्यालय की ओर खींचने की कोशिश की जा रही है, लेकिन वो शिक्षा के असल उद्देश्य यानी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने के मामले में पूरी तरह नाकाम होते दिखाई दे रहे हैं। जरा गौर से देखिए शिक्षा के इस मंदिर की हालत, जहां योगासन की मुद्रा में सभी पंखे लटके नजर आ रहे हैं। इतने कमरे होने के बावजूद जिम्मेदारों की अनदेखी का शिकार बन बैठा दुर्ग का शासकीय महात्मा गांधी उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, जहां इन दिनों बच्चे बाहर बरामदे में बैठ पढ़ने को मजबूर हो चुके हैं। कौन सी क्लास है ये? 12th है। दो ही बच्चे हैं। आपको बता दें कि 26 जुलाई से अभी स्कूल खुल चुका है और छात्र छात्राएं अध्ययन के लिए स्कूल में अपनी उपस्थिति दे दिए हैं, मगर स्कूल की मरम्मत और सुधार कार्य व्यवस्था के चलते कार्य कर रहे ठेकेदार की मनमानी से बच्चे परेशान हो चुके हैं। उन्हें बाहर बरामदे में बिना पानी और बिजली के अभाव में इस उमस भरी गर्मी में पढ़ने मजबूर कर रखा है। वहीं इस मामले में शाला प्रबंधन के द्वारा कार्य कर रहे ठेकेदार से कई बार जल्दी कार्य करने आग्रह भी किया जा चुका है, बावजूद इसके ठेकेदार की मनमानी से अब तक क्लासरूम जर्जर हाल में पड़ा हुआ है। वहीं बच्चों को हो रही परेशानी को लेकर स्कूल प्रबंधन ने जिला शिक्षा अधिकारी से विद्यालय में शालेय क्रीड़ा प्रतियोगिता एवं आवास व्यवस्था उपलब्ध करवाने में असमर्थ और वर्तमान में विद्यालय में मौजूद समस्या को लेकर ज्ञापन सौंपा है, जिसमें क्लासरूम में लाइट और पंखे के साथ छत से गिरा प्लास्टर और पानी की व्यवस्था नहीं होना बताया गया है। इस संबंध में छात्र छात्राओं सहित प्राचार्य ने अपनी पीड़ा बताई है। क्लासरूम साफ रहना चाहिए और क्लासरूम में ना बिजली का सुविधा है और ना ही क्लासरूम पूरा साफ है। पूरा टेबल बेंच हर एक चीज़ पूरा गंदा है। बाथरूम भी एकदम गंदा है, एकदम ज़्यादा एकदम स्मेल आ रहा है। और ना जगह जगह में जैसे प्लास्टर टूटा टूटा है हर जगह जगह। अब बनवाने के लिए तो अभी हम लोग का जब 11th पढ़ रहे थे तो 3-4 महीने पहले बनाने का काम स्टार्ट हुआ था, लेकिन अभी तक चाहते हैं कि अब अच्छे से पढ़ाई लिखाई हो, अच्छे से हम लोग का भी बाथरूम पूरा साफ़ हो, क्लासरूम भी अच्छा मिले, टेबल कुर्सी भी अच्छा मिले और बिजली की सुविधा है। नहीं, ऐसे व्यवस्था से नहीं हो। पहली बात, यहाँ तो बैठक व्यवस्था है नहीं, बैठक व्यवस्था नहीं है ना बिजली की व्यवस्था है। पढ़ाई में इतने ज़्यादा डिस्टर्बेंस आ रहे हैं कि मतलब हम जितना चाहे कि जितना अच्छा कर सके अपने पढ़ाई के फील्ड में, हम कर ही नहीं सकते, क्योंकि हमको पहली बात व्यवस्था चाहिए। दूसरी बात, यहाँ जो वॉशरूम जो भी है, ये सारी चीज़ों की भी यानी कि जो हमको चाहिए वो यहाँ पर तो कुछ मतलब
जो होना चाहिए वो हमको प्रोवाइड किया ही नहीं जा रहा है, जो कि हम चाहते हैं कि कम से कम हमारी जो ज़रूरत की चीज़ें जो हमें सुविधा प्रदान कर सके, जो हमारे पढ़ाई को और अच्छा बेहतर कर सके, वो सारी चीज़ें यहाँ होनी चाहिए। और क्लास में पढ़ते हैं, हमारे क्लास में बहुत ही गंदगी के कारण आज हमें यहाँ बैठ के पढ़ना पड़ रहा है। बिजली की असुविधा जिससे हमें गर्मी महसूस होती है, हम बहुत परेशान होते हैं, इसलिए हमें आज यहाँ बैठ के पढ़ना पड़ता है। जब तक नहीं बनेगा आप बैठ के पढ़ना पड़ेगा। यस, स्कूल 26 तारीख से प्रारंभ हो चुका है, लेकिन स्कूल में जो मरम्मत कार्य चल रहा है वो मरम्मत कार्य अधूरा होने के कारण जो अध्यापन कक्ष है उस अध्यापन कक्ष में सीलिंग का जो प्लास्टर उखाड़ा गया है रिपेयरिंग करने के लिए, वो सब क्लास में पड़ा हुआ है, इसके कारण से बच्चों को बैठाते नहीं बन रहा है। नहीं, इलेक्ट्रिक कनेक्शन तो बंद है, वायरिंग कर चुके हैं, लेकिन कनेक्शन पंखा और ट्यूबलाइट की व्यवस्था नहीं की है अभी तक। अभी जहाँ जगह मिल रहा है उनको बरामदे में या कहीं बाहर या छोटे कमरे में बैठा के जितना अध्यापन हो सकता है उसको करा रहे हैं। तो स्कूल खुलने के पहले में महीने दिन पहले से लाइट और पंखे की व्यवस्था करने के लिए बोला था, और स्कूल खुलने के एक दिन पहले फिर बोले भाई नहीं कर पाओगे तो मेरे को जिलाधीश महोदय को सूचना देना पड़ेगा। तो बोले आप जहाँ दे सकते हो दे लो। बोले संजय जैन है। जिस तरह शिक्षा के क्षेत्र में शासन प्रशासन छात्र छात्राओं के बेहतर भविष्य को लेकर लाखों करोड़ों खर्च कर वाहवाही बटोरती है, वहीं दुर्ग के हृदय स्थल में संचालित स्कूल में कोई झांकने तक नहीं पहुंचता। ऐसे में सरकारी स्कूलों में पढ़ाई करने वाले बच्चे अपने बेहतर भविष्य का निर्माण कैसे कर पाएंगे? वहीं अब देखना होगा कि अब इस स्कूल की व्यवस्था को लेकर जिम्मेदार किस तरह से संज्ञान लेकर अध्ययनरत बच्चों की मदद कर उन्हें बेहतर अध्ययन करने का हक दिलाते हैं। एशिया न्यूज़ के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट।